उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में स्थित स्थानीय कालरी स्टेडियम में आज नगर पालिका और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान, उपाध्यक्ष राजेश पटेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें थाना प्रभारी ML मरावी, चौकी प्रभारी शशि द्विवेदी, CMO भूपेन्द्र सिंह, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की क्षेत्रीय अधिकारी रेशमा श्याम शर्मा, ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सचिन तिवारी, समाजसेवी नवल पालीवाल, बहादुर सिंह, अंजू पटेल, राजकुमार खरे, सुषमा मिश्रा, योग खिलाड़ी संगीता मंडल सहित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, नगर पालिका के सभी जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान योग के विभिन्न आसनों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मानव जीवन में योग के महत्व को बताया गया। साथ ही आमजन को निरंतर योग क्रिया में शामिल रहने की अपील की गई। बता दें कि योग न केवल स्वस्थ शरीर पाने का सबसे सरल तरीका है, बल्कि इसका नियमित अभ्यास मन और दिमाग को शांत कर वास्तविक सुख प्रदान करता है। ऐसे में खुद और अपनों को नियमित योग कर निरोग काया और मन की शांति पाने के लिए जागरूक करने का अभिनव प्रयास किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल जून माह 2015 को पहली बार की गई थी। इसके बाद यह दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रदेश में क्रियान्वित कर प्रदेशवासियों को जोड़ने का काम किया था, जो आज समूचे प्रदेश में अलग स्थान बनाते जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश प्रदेश और विश्व में मनाया जाता है। उसी तारतम्य में शासन के निर्देश अनुसार आज पुलिस विभाग, नगर पालिका और जनप्रतिनिधि लोग पाली के कालरी क्लब ग्राउंड में परिसर में योग दिवस मनाया गया और सभी ने योग किया गया। और योग हमेशा करते रहना चाहिए, एक दिन की बात नहीं है। आदमी अपने स्तर से घर पर भी योग कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि योग से आदमी निरोग होता है और ये हमारी पुलिस की तरफ से सबको संदेश भी है, आह्वान भी है कि सभी व्यक्ति को प्रतिदिन समय निकाल के एक घंटा आधा घंटा योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद। मैं रेशमा श्याम शर्मा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर खेल एवं युवा कल्याण विभाग। आज 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया कालरी मैदान पाली में। इसको उद्देश्य यह था, यहाँ पर सभी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी गण एवं पुलिस विभाग उनके अधिकारी कर्मचारी गण, सभी गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि सभी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य यह है कि हम जो योग दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो एक ही दिन ना मनाकर प्रतिदिन अपने घर में इस अभ्यास को करें। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हर बीमारी से हम दूर रहेंगे। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को बुलाया गया और यहाँ स्टेडियम में कार्यक्रम किया गया। काफी अच्छा यहाँ का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। सभी लोग बड़े अच्छे से इसको योग दिवस कार्यक्रम किए हैं। नगर पालिका परिषद एवं थाना पाली के संयुक्त तत्वावधान में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें खड़े होकर 10 आसन, बैठ के 8 आसन, लेट के 8 आसन एवं ध्यान मुद्रा के 6 आसन, कुल 32 आसनों का यहां पर प्रदर्शन किया गया, जो कि हमारे दैनिक जीवन, हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति अनिवार्य है एवं ये एक अंग है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये वरदान साबित है। माननीय यहाँ जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि इसको दैनिक जीवन में इसका उपयोग करना है और प्रतिदिन इसी योगाभ्यास के अलावा भी कुछ अन्य योगों को भी शामिल करते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है। इसी के साथ धन्यवाद। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी गुरु को हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद पाली में सभी विभागों में आम नागरिकों के सहयोग से योग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की सहभागिता रही एवं बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग योग करें और निरोग रहें। योग का अपने सार्वजनिक जीवन में, निजी जीवन में बहुत मानसिक संतुलन बना रहता है। इसे योग करें और सभी संतुष्ट रहें।
आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज ये विश्व युवा दिवस कार्यक्रम मनाया गया और 21 जून को पूरे भारत वर्ष में यह युवा दिवस मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी के आदेशानुसार यह कार्यक्रम किया गया और हमारे कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पुलिस प्रशासन, नगर के गणमान्य नागरिक और विद्यालय सभी विद्यालयों के बच्चे सम्मिलित हुए। यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाया गया और मेरा मानना है कि करे हुए रहे ही लोग। वीर सिंह पुरपाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।